तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। खैर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। हैप्पी बर्थडे टू अल्लू अर्जुन, अपने एक वैसे आइकन स्टार, ऐसे सुपर स्टार जो नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं अभी रिसेंटली, एंड उन सारे डाई हार्ट फैन को भी ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर उन सभी को हैप्पी बर्थडे जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज टीजर देखने को मिल जाएगा 11:07 पर जिसका बेसब्री से इंतजार था। और कल शाम से ही जबरदस्त सोशल मीडिया पर सुनामी चल रही है, तूफान चल रहा है, फटने को तैयार है, मतलब क्रैकिंग्स हो रही है भाई साहब। ट्विटर्स पर अगर आप चले जाओ तो सिर्फ 3-4 टैग्स ही आपको हैशटैग्स ही जबरदस्त ट्रेंड पर देखने को मिलेंगे, लाइक पुष्पा 2 द रूल टीजर, पुष्पा मास जथारा एंड अल्लू अर्जुन एंड हैशटैग हैप्पी बर्थडे टू अल्लू अर्जुन। भाई साहब यही चल रहा है। और क्या ये सारी चीज़ें भाई साहब जब ये मूवी जिस दिन रिलीज होगी 15 अगस्त को, क्या यही देखने को मिलेगा? डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक साइन है, एक आइडिया है, एक झलकी है या फिर प्री टीजर कह लो कि भाई साहब उस दिन आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि आज फुल डे ये ट्रेंड चलने वाला है फुल डे। एंड देन उसके बाद जब टीजर आउट हो जाएगा तब ये जो तबाही चल रही है भाई साहब दोगुनी लेवल पर हो जाएगी। खैर भाई साहब डाई हार्ट फैंस रात के 12 बजे ही अपने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जाकर बैठ गए थे, और ये ट्रेंड तब देखने को मिला था जब शाहरुख खान का बर्थडे था, तब अपने प्रभास का बर्थडे था। भाई साहब मेरे को इंडियन सिनेमा में 3 ही ऐसे बंदे देखने को मिलते हैं जो जिनका एक छोटे से इवेंट पर भी तबाही आने को होती है, लाइक शाहरुख खान के टाइम पर भाई सारा कुछ उसी दिन वही चल रहा था। देन उसके बाद प्रभास का जिस दिन बर्थडे था, सलार के टाइम की ये बात है, उस दिन भी यही चल रहा था, और अभी पुष्पा 2 द रूल जो मूवी जब आने वाली है तो अल्लू अर्जुन के टाइम पर भी यही चल रहा है। भाई ये 3 ही ऐसे फाइन स्टार है जिनमें बहुत कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है, और ये प्रूव करते हैं एवरी टाइम। तो अभी आज बात करेंगे कि भाई साहब जो आज के दिन जब ये ऐसी तबाही देखने को मिल रही है, तो जब ये मूवी जिस दिन रिलीज होगी उस दिन क्या तबाही देखने को मिलेगी, कितनी ग्रैंड ओपनिंग ये ले सकती है उसको प्रिडिक्ट करेंगे। देन उसके बाद लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है इस मूवी का, क्योंकि ऐसी मूवीज हम देख चुके हैं जो ऐसा सिनेरियो जनरेट करके गई थी, देन उसके बाद जब वो ओपनिंग डे पर पहुंची हैं, देन उसके बाद जब वो लाइफ टाइम कलेक्शन पर पहुंची हैं तो तबाही मचा के गई हैं। सभी चीजों पर बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स पर हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन जरूर लिखकर जाना अगर आप डाई हार्ट फैन हो। तब शुरुआत करते हैं भाई साहब जवान मूवी की बात करें, जब ये जवान सिनेरियो चला था तो बजट इसका कोई ज्यादा नहीं था, 300 करोड़ के आसपास बजट था, एंड जब ओपनिंग करी थी तो 130 करोड़ की भारी भरकम ओपनिंग करी थी, एंड लाइफ टाइम नेट इंडियन कलेक्शन 640 करोड़ के आसपास रहा था, एंड ओवरसीज से जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला था लगभग 400 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1160 करोड़ का ह्यूज एंड ह्यूज कलेक्शन। तो क्या लाइफ टाइम कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन पुष्पा 2 द रूल ये ठोंक सकती है क्या? डेफिनेटली कैलिबर है, पोटेंशियल है। दर्शकों अगर KGF 2 की बात करें तो भाई साहब इसकी ओपनिंग रही थी 163 करोड़ के आसपास, जिसका बजट अराउंड 100 करोड़ था, लो बजट की मूवी थी लेकिन फाड़ के कमाई करके गई थी। नेट इंडिया से 859 करोड़ एंड ओवरसीज से 214 करोड़, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1215 करोड़ ये मूवी ठोक के गई थी। तो क्या इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है पुष्पा 2 द रूल? कैलिबर है, पोटेंशियल है, ये आप लोग बताएंगे ठोक इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी नहीं कर पाएगी। सलार की बात करें तो भाई साहब ओपनिंग रही थी इसकी डे वन पर 165 करोड़ की भारी भरकम ओपनिंग, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 617 करोड़ का ही रहा था इस मूवी का, ओवरसीज से कुछ अच्छा खासा हाथ नहीं लगा था एंड बजट था 270 करोड़ के आसपास। तो क्या सलार के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है? क्या सलार के रिकॉर्ड को तो इजिली तोड़ सकती है, क्योंकि इसमें वो कैलिबर है, पोटेंशियल है। बात करें द जाइगेंटिक मूवी ऑफ द एरा, भाई साहब अभी तक जिसके रिकॉर्ड के आसपास कोई भनक तक नहीं पाया है, बाहुबली 2 जिसने ओपनिंग करी थी एक ह्यूज एंड ह्यूज भारी भरकम ओपनिंग 215 करोड़ के आसपास, एंड नेट इंडिया से इसने ठोका था 1030 करोड़, यानी सिर्फ इंडिया से 1000 करोड़, जो जवान की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अराउंड में जाता है जो पूरा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। ओवरसीज से 371 करोड़, ओवरसीज से इतना अच्छा हाथ नहीं लगा था लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1800 करोड़ ये मूवी ठोंक के गई थी इजिली, एंड बजट था लगभग 250 करोड़ के आसपास। तो भाई साहब सबकी नज़र सिर्फ इसी पे गड़ी है कि बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को क्या ये तोड़ सकती है? तो क्या इसके रिकॉर्ड को तोड़ डालेगी? भाई साहब मेरी नज़र सिर्फ इसी मूवी के रिकॉर्ड को लेकर बनी है कि यार इसके रिकॉर्ड को टूट जाए, क्योंकि इस पे बहुत पोटेंशियल है। भाई बात करें लास्ट एंड फाइनल मूवी RRR जिसकी ओपनिंग अभी तक की ह्यूज एंड जाइगेंटिक रही है, जो अभी तक कोई भी मूवी नहीं थी, 224 करोड़ का भारी भरकम कलेक्शन सिर्फ डे वन पर किया था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपनिंग। नेट इंडियन कलेक्शन 782 करोड़ एंड ओवरसीज से 314 करोड़, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1230 करोड़ ये मूवी ठोक के गई थी इजिली।
तो क्या इस मूवी के रिकॉर्ड को भी अपना पुष्पा भाई इजिली तोड़ डालेंगे? नहीं तोड़ डालेंगे। वैसे ये सारी मूवीज के रिकॉर्ड टूट सकते हैं एक बार टीजर देखने को मिल जाए, लेकिन जिस हिसाब से इसकी फैन फॉलोइंग है, जिस हिसाब से लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं और जिस हिसाब से इसके पोस्टर्स रिलीज हुए हैं भाई, वो सॉलिड एंड प्रॉमिस एंड ट्रस्ट देके जाते हैं कि इजिली ब्रेक डाउन कर सकती है। 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, जितना भी होगा भाई आप जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 2000 करोड़ ये मूवी इजिली ठोक सकती है, खैर 2200 करोड़ भी पहुँच सकती है। एंड मूवी का बजट लगभग में लगभग 250 से 300 करोड़ के आसपास है, जो कोई बड़ा बजट नहीं है, तो अपने बजट को तो ये रिकवर कर ही लेगी। ब्लॉकबस्टर की कौन सी लिस्ट में कौन सी रैंक पे आएगी ये भी आप लोग बता के जाना। बाकी भाई अगर आप ये टीजर रिलीज होने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको टीजर कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन पर करके जाएगी एंड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी। मिलते अगली वीडियो पर, जय हिंद।